अमरपाटन में बदमाशों के हौसले दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ आए दिन मारपीट और विवाद की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम खमरसेड़ा से सामने आया, जहां एक युवक पर 8 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं दूसरे मामले में एक ढाबा संचालिका से युवक ने मारपीट। दरअसल घटना अमरपाटन थाने के ग्राम पंचायत खमरसेड़ा की है, जहाँ पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। यहाँ खेत से पशुओं का चारा लाते समय एक व्यक्ति को रोककर 8 लोगों ने जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित दिनेश के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल के लिए घायल को सिविल अस्पताल अमरपाटन भेजा। यहाँ से इलाज के बाद पीड़ित को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया गया है। चारा ले गए थे, हम वहाँ से आ रहे थे तो एक बंदा रोड में खड़ा था और 8 आदमी अपने बखारी के अंदर लाठी लेके बैठे थे। मैं तो उधर से निकला, उसके घर तरफ से हम तो चारा लिए थे साहब, वो हमसे सीधे नेटाई पकड़ के लपट पड़ा साहब, लपट पड़ा। इसके बाद हमारा लाठी लेके, अब लाठी साहब मिलते हैं साहब, लेके जाते हैं डंडे वंडे साहब, फिर हमको पकड़ ले गया भीतर और बखारी में, जितने आदमी बैठा लाठी उधर रखा था पहले से। वही दूसरा मामला सरदार पेट्रोल पंप के सामने स्थित ढाबे का है, जहां एक अंशु उमरलिया नाम के युवक ने अपने दोस्तों के साथ खाना खाया और जब ढाबा संचालिका अंजू गुप्ता ने उससे खाने के पैसे मांगे तो युवक ने गाली गलौज कर महिला के साथ मारपीट की और उसके ढाबे से 8,500 रुपए लूट कर फरार हो गया। इस घटना के बाद पीड़िता अमरपाटन थाने पहुंची, यहां उसने शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होटल में आए खाना खाने और खाना खाया और खाना खाने के बाद पहले एक आध दो आदमी पीछे पीछे आए और उनकी चौरसिया की दुकान में बिस्तर लिया था, वो आए बोले मेरा बिस्तर का पैसा नहीं दिया, ये लोग भाग आए हैं, तो मुझसे बोला कि आप पैसा दे दीजिए बिस्तर का, तो मैंने पैसा निकाल के दे दी और बोले मैं खाना खा लूँगा तो पैड कर दूँगा पैसा सब फ़ोन पे। आज जब खाना ना खा ली 275 रुपये हुआ, तो कहता है कि छोटू देगा पैसा, मैं तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, मैं उर्मलिया हूँ। तो मैंने बोली मेरे को क्या करना, आप मेरा पैसा दे दीजिए। सर मुझे गंदी गंदी गाली देने लगा और मेरा हाथ पकड़ के, मैं पेटी में पैसा रखी थी तो पैसा तो दिया नहीं, मेरा उल्टा उसने पैसा छीन के भाग दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।